देख सकते हैं यहाँ पे बोट की सहूलत भी है, और भाइयों से पूछते हैं कि क्या चार्जर लिए जा रहे हैं यहाँ पे। फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर रही है। साइंस फेयर अच्छी जगह है, आज क्योंकि संडे और कल ऑफ है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग आए हुए हैं, अदरवाइज इतना क्राउडेड नहीं होता है। बंदा डूब रहा है, हम सिंह कोई बिना किसी चीज सपोर्ट के सारे हम उसके करीब जाएं तो उल्टा हमें डुबो देगी, तो ऐसे कहते हैं रेस्क्यू ट्यूब। नए नए घर तामीर हो रहे हैं, बैरिया टाउन में आप लोग प्लाट खरीद सकते हैं। ये खुदाई यहाँ पे इस टाइम जारी है और बुनियादें खोदी जा रही हैं। और आज सुबह से ही कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार था, यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो हमने सोचा कि दोस्तों के साथ जाएं आज हम सनस्पिट बीच पे इंजॉय करने। तो यहाँ के जो नीला पानी देख रहे हैं, दो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इंजॉय करते हैं फैमिलीज़ के लिए, इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि खाने पीने की यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दस्तियाब हैं, रहने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ हट्स बने हुए हैं, उनके क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये सारा बताएंगे आपको आज की वीडियो में। यहाँ के साहिल के खूबसूरत नजारे भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो रहिए हमारे साथ। फैमिलीज यहां पे आई है, बच्चे आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोट की सहूलत भी है, और भाइयों से पूछते हैं कि क्या चार्जर लिए जा रहे हैं यहां पे। लाइफ जैकेट की सहूलत भी मौजूद है यहां पे, ताकि किसी किस्म का अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो तो डैमेज ना हो। जी एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए, जिंदगी का पहला है लम्हा ये, इसको भरपूर एंजॉय करेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर लेके जाएंगे शायद ही आगे। इंजन लगा हुआ है और फ्यूल की टैंकी है, ये हम लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ पे चलाते हैं, तो अपने यहाँ पे रोजगार करते हैं बोट चला के। चार्जेस क्या ले रहे हो इसके? ये 4 बंदे 1000 की राइड देते हैं। साइंस फेयर अच्छी जगह है, आज क्योंकि संडे और कल ऑफ है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हुए हैं, अदरवाइज इतना क्राउडेड नहीं होता है। और वेदर आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, पीछे क्लाउड्स आप देख रहे हैं आ रहे हैं, और कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी धूप हो रही है, बट इट्स गुड एरिया है, नेचर है, आप बस आए अपना अगर सामान ला सकते हैं तो इकोनॉमिकल है, अदरवाइज तो एक्सपेंसिव है। बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, पानी साफ़ है क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता है, तो ये कि अच्छी फैमिलीज जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। आई वुड प्रेफर एवरीबडी टू कम हियर एंड एंजॉय, बट इफ़ यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट तो इकोनॉमिकल है, अदरवाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट जगह बहुत अच्छी है और बस दैट्स इट। एंजॉय करने के लिए अच्छी जगह है, साफ पानी है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है चीज़ें। कराची के किस एरिया से आए इतने? हम गार्डन से हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख सकते हैं नाजरीन यहाँ पे एंजॉय हो रहा है, और सनस्पिट बीच पे यहाँ पे गेम्स वगैरह भी चलते हैं। जब मुझे किसी रगा ले दिया गलता ना, जब घर टूट रहे आए लोग। फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर रही है, आप लोग देख सकते हैं गेम्स यहाँ पे खेले जा रहे हैं। फुल एंजॉय हो रहा है, संडे का दिन है। रेंट पे आपने कितने का मिला यहाँ पे आपको? ये हम लोग क्योंकि जल्दी आ गए सुबह, तो इन्होंने काफ़ी महंगा दिया है, 2000 रुपये लिए हमसे। 2000? 2000 यहाँ पे आपने पे किए हैं जी? तो क्या फैसिलिटी दी है यहाँ पे? खास फैसिलिटी नहीं है, फैमिली के लिए बस कहते हैं उनकी सपोर्ट के सहूलत के लिए बस हर बुक करना पड़ गया हमें। अच्छा, अगर सर यहाँ पे कोई आता है तो फैमिलीज के लिए जगह कैसी है? फैमिलीज के लिए अच्छी जगह है, और ये भी वैसे भी सीज़न भी आ रहा है, तो इसमें अभी आप इंशाल्लाह देखिएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, तो अभी थोड़ा रश है क्योंकि ये वीकेंड है और 2 छुट्टियां इस वजह से आगे से थोड़ा आपको रश मिल रहा है, लेकिन मई और जून में, जून जुलाई में तो मरीज़ के अलावा आपको तक 2 से 3 गुना ज़्यादा रश लगेगा आपको इसमें। हट्स के बारे में आपको बताता चलूँ, ये आप लोग हट्स देख सकते हैं, इसके 1 से 2 हज़ार यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं, और फैमिलीज़ का ये कहना है कि किसी से 1000 लेते हैं, किसी से 2000 लेते हैं, जितना इनका दिल करता है, तो भाई बारगेनिंग अच्छे तरीके से करें और बाकी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बम्बई का किंग कौन? बम्बई का किंग कौन? बिक्कू मात्रे। सिगरेट विगरेट तो नहीं लगाते रात? नहीं नहीं, तो मनोज बिला नशे से परेश करते हैं। ताज़ा ताज़ा फ्रेश छलियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये तैयार हो रही हैं, और समंदर के किनारे, समंदर का एक अपना ही मज़ा होता है समंदर के किनारे खाने का।